अगुस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदे में दलाली की परतें खोलने के लिए सीबीआई की टीम की कोशिशें दिन रात जारी हैं। सीबीआई ने इस मामले में पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी पर शिकंजा और कस दिया है। त्यागी बुधवार को लगातार तीसरे दिन पूछताछ में शामिल होने के लिए दिल्ली में सीबीआई मुख्यालय पहुंचे। सीबीआई के सूत्रों ने बताया कि पूछताछ का मुख्य फोकस इतालवी बिचौलियों कार्लो जिरोसा और गुइदो हिशके से उनके कथित संबंधों पर था। वहीं दूसरी ओर कारोबारी गौतम खेतान भी बुधवार को सीबीआई मुख्यालय पहुंचे। सीबीआई ने इस मामले में पूछताछ के लिए उनको समन भेजा था। पेशे से वकील खेतान एरोमेट्रिक्स कंपनी के बोर्ड के पूर्व सदस्य हैं। सीबीआई की प्राथमिकी में बतौर आरोपी दर्ज यह कंपनी कथित रूप से रिश्वत की रकम को दूसरे तरीके से निकालने का काम करती थी। खेतान से सीबीआई ने सौदे की दलाली से जुड़ी रकम के बारे में पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में खेतान ने खुलासा किया है कि उसने आईडीएस ट्यूनेशिया के नाम से एक कंपनी बनाई। इस कंपनी के खाते में अगुस्ता वेस्टलैंड की ओर से रकम भेजी गई। आईडीएस ट्यूनेशिया आईडीएस भारत की सहयोगी कंपनी है। इसके जरिए ट्यूनेशिया और मलेशिया जैसे देशों में रकम भेजी गई। सीबीआई इस रकम के बारे में जानकारी जुटाने में लगी है। विदेश मंत्रालय ने 8 देशों से इस बारे में मदद मांगी है। खेतान से आगे भी पूछताछ जारी रहेगी। सीबीआई के बाद त्यागी पर ईडी का भी शिकंजा कस सकता है। गुरुवार को ईडी त्यागी से पूछताछ करेगी। पहले दिन की पूछताछ के बाद ये पता चला कि एसपी त्यागी इटली गए थे। दूसरे दिन ये पता चला कि एसपी त्यागी की मुलाकात हुई थी फिन मैकेनिका के सीईओ के साथ। तीसरे दिन की पूछताछ के बाद अब गुरुवार को पूछताछ होगी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिस में। तो सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है कि पूरे मामले पे अभी बहुत कुछ बाहर आएगा। हाल में एक इतालवी अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि 3600 करोड़ रुपए के वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदा मामले में रिश्वत दी गई, जिसके बाद सीबीआई ये पूछताछ कर रही है। त्यागी पहले ही ये स्वीकार कर चुके हैं कि उन्होंने फिन मैकेनिका कंपनी के अधिकारियों से मुलाकात की थी। सीबीआई ने इस मामले में त्यागी, उनके रिश्तेदारों और यूरोपीय बिचौलियों समेत 13 अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। ये सौदा यूपीए 1 सरकार के वक्त हुआ था और अगुस्ता वेस्टलैंड से वीवीआईपी के लिए 12 हेलीकॉप्टरों की खरीद की डील हुई थी। यह डील 3600 करोड़ रुपए की थी। इसमें 360 करोड़ रुपए की रिश्वतखोरी की बात सामने आई। इसके बाद यूपीए सरकार ने डील रद्द कर दी थी। इटली की अदालत ने इस मामले में अगुस्ता वेस्टलैंड कंपनी के प्रमुख उर्सी को भारत में घूस देने का दोषी मानते हुए 4.5 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट के आदेश में कुछ ऐसे दस्तावेज भी मिले हैं जिनमें सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के भी नाम हैं। इस मामले में बुधवार को भी फिर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के MGF कंपनी से संबंधों का मामला उछला। बीजेपी सांसद किरीट सोमैया ने लोकसभा में मसला उठाया और राहुल गांधी से इस मुद्दे पर सफाई देने की मांग की। MGF मामले में राहुल गांधी पर 2 दुकानों को बहुत अधिक कीमत पर बेचने का आरोप है। हम राहुल गांधी से जानना चाहते हैं कि क्या वो राजनीति छोड़कर किराने का धंधा शुरू करना चाहते थे क्या? और राहुल गांधी एक कदम आगे बढ़े, अर्ध सत्य न बताए पूरा सत्य कहे कि ये दुकान खरीदने के लिए उनके लिए लोन की व्यवस्था की गई थी, दुकान कितने में खरीदी, वापस किराए पर किसको दिया, और उसके बाद में आपने 2 साल में इसको वापस बेच दी, और ये सब करने में आपने 5-25 लाख डालकर 7 करोड़ रुपए कमाए क्या, ये जानकारी जनता को मिलनी चाहिए। वहीं किरीट सोमैया के इन आरोपों पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने जवाब दिया है। राहुल ने कहा कि उनकी दोनों दुकानों की जानकारी शपथ पत्र में दी गई है। राहुल ने कहा कि वो इस तरह के आरोपों का जवाब संसद में देंगे। इससे पहले सोमैया ने राहुल गांधी के सहयोगी कनिष्क पर भी उंगली उठाई थी। आरोप है MRMGF कंपनी के पूर्व डायरेक्टर हेश की हेलीकॉप्टर डील में शामिल रहे हैं। सोमैया के मुताबिक MRMGF कंपनी के पीछे कनिष्क का परिवार रहा है जो राहुल गांधी के सलाहकार हैं। ऐसे में उनकी भूमिका की भी जांच की जानी चाहिए। कुल मिलाकर इस मामले में सीबीआई पूछताछ कर मामले की तह में जाने में जुटी है, तो दूसरी ओर हर दिन नए नए खुलासे भी हो रहे हैं। सिद्धांत सिब्बल के साथ न्यूज 9 टेस्ट डीडी न्यूज। तो कोशिश यही है कि मामले की तह तक जाया जाए और